में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको पता लगा बीपी है, शुगर है, थायराइड है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, पता लगा कि अब ये सर्जरी करने के लिए बोल रहे हैं, कैंसर है। अब कल ही कैंसर का भाई आया, करना तो पड़ता है, उसके मुंह में कैंसर है। बोले जी यहाँ आते ही 4-5 ही दिन हुए, मेरा तो मुंह खुलने लग गया, दर्द भी कम हो गया, मुंह का कैंसर। किधर हो भाई मुंह के कैंसर वाला? बड़ा उस बड़ा मतलब बड़ा काम कर लिया उसने, आगे आ जा। मुंह खुलता नहीं था ऐसी, शायद पता नहीं गुटका गुटका खाया होगा, बैठ गया, फिर खुलने लगा, दर्द भी दूर होने लगा। हौसला चाहिए, मैं कहता हूँ खाली पेट सुबह दोपहर शाम एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा कपालभाति, एक एक घंटा, फिर खाने के बाद अनुलोम विलोम कर लो, फुल टाइम योग 12 से 14 घंटा मैंने योग करवा करके SLE MS ऑटोमैन डिजीज जिनको 100-200, एक तो हरियाणा की बेटी आई 2 साल पहले 2000 mg उसका स्टीरॉइड चल रहा था, 2000 mg, आदमी बैठ जाए, अंधा हो जाए, डायबिटीज, हड्डियां, पसली सब खराब हो जाए, लेकिन छुड़वाया मैंने लोगों का, लेटे लेटे किया उस बेटी ने, ठाड़ी तगड़ी बेटी थी हरियाणा की, उसने किया, एक एक घंटा नहीं पूरा दिन 10-10, 12-12 घंटा अनुलोम विलोम किया, छूट गया 2000 mg स्टीरॉइड। SLE बता दिया था, ये SLE MS कैंसर, इसमें फुल टाइम योग करना, मौत सामने खड़ी है ना तो जी ले, भजन कीर्तन लगा के योग कर ले। क्या नाम भाई? दीपक पटले, स्वामी जी ओम। तो कैसे ये मुंह बंद कैसे हो गया था? वो कैंसर हो गया था सर। नहीं, कैंसर में क्या गुटखा खाया था? हाँ, गुटखा खाने के वजह से ही हुआ था। हाँ। तो एकदम मुंह बंद हो गया था और एक छाला भी आ गया था अंदर, तो उसके वजह से मैं कुछ भी नहीं खा पाता था। 29 तारीख को यहाँ आया, 30 तारीख से मुझे तो ट्रीटमेंट मिला। 30 तारीख से शुरू किया, आज कितने दिन हुए? 6-7 दिन। अभी मैं रोटी भी खा सकता हूँ, तब तो मैं सिर्फ लिक्विड ही ले पाता था, अभी मैं रोटी भी चबा के उसको आराम से खा सकता हूँ। डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट भी किया कि सर मुझे रोटी दाल दे दीजिए। इसको पहले रोटी दाल के लिए तरस रहा था, खाया नहीं जाता था, इसको वो ही नहीं खुलता था, अभी वो भी मैं खा पाता। क्या नाम है? दीपक पटले, नागपुर से हूँ सर। दीपक पटले, ये योग नहीं करता तो अभी तक दीपक पटले निपटले हो जाता है। हाँ सर, माला टंग जाती है, दीपक इधर आ दौड़ करके, ये एक प्रेरणा है, लेकिन करता पूरा है। मैंने बोला जीना है तो योग कर ले, अपना भजन कीर्तन लगा के, हैं, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जपो और भगवान की शरणागति में। इधर आओ, ऊपर आ जाओ। अब मैं क्यों बुला रहा हूँ इसको? लोग कैंसर का नाम सुनते ही आधे तो वहीं मर जाते हैं, अरे कैंसर हो गया अब तो मरना ही है। क्यों मरना है? जो योग करेगा वो किसी रोग से नहीं मरेगा। इस बहन जी को देना भाई, बहुत देर से बैठ ही नहीं रही, इसको दो माइक दो जरा। हाँ, अब ये दीपक पटले, इसकी तो पटरी पर आ गई, दीपक की तो पट गई, इसकी तो बीमारी निपट गई, ये नहीं निपटा। एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा खाली पेट सुबह दोपहर शाम 3 बार कपाल भाती और अनुलोम विलोम। इधर ऊपर, अब इसका जबाड़ा पूरा जाम था, कल ही मैंने देखा, अब जबाड़ा इसका खुल गया, गया। साक्षी जी महाराज, अब महाराज जी भी देख रहे हैं, ये मामला तो जोरदार है, कैंसर वाला आदमी। साक्षी महाराज जी की साक्षी में देखो इसका जबाड़ा खुल रहा है। साक्षी महाराज जी अपना एक चेला लेके आए, बोले स्वामी जी 5 लाख रुपए क्या होती है? हम भी देंगे आपके। एक मन मार्ग महात्मा जी तो महाराज जियों को तो दक्षिणा हम देते हैं। बोले नहीं, हम देने वाले, हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तन मन धन से देश धर्म संस्कृति की सेवा में लगे, और हमसे इनका प्रेम जो है करीब 25 साल पुराना है, और इन्होंने भी संघर्षों के बीच में अपना योग धर्म, अपना संन्यास धर्म, अपना अध्यात्म धर्म, राष्ट्र धर्म पूरा निभाया। पूज्य साक्षी महाराज जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, ये भी हमारे धर्म के बहुत ऊंचे स्वर। तो महाराज श्री प्रणाम आपको। अभी इसकी हालात ये थी, खोलना मुंह, अभी इसकी कम से कम 1.5 इंच तो खुलने लग गई इसकी, ये जबाड़ा ऐसा, अब पूरा खुल जाएगा। इसको भी क्या करता है ना? हाँ, करता है। और सुबह दोपहर शाम अब योग ही करना है, और कुछ नहीं।
तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताए हैं, ऑपरेशन के लिए बताए थे 14 अप्रैल, डेट भी डिक्लेयर हो गया था, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं कराना था। मैं बोल मैं ये जिनका भी ऑपरेशन हुआ है ना, बेचारे कटे हुए जबड़े लेकर के ऐसे जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा हो ना, और फिर उसको इधर उधर से चेपा चापी कर दियो, मॉडल ही खराब हो जाता आदमी, और फिर उसके बाद और फिर 5-10 साल बाद दोबारा रिकरेंस हो जाता है तो तेरा मॉडल भी खराब नहीं होगा और दोबारा रिकरेंस नहीं होगा योग से जो ठीक होगा वो, क्योंकि बॉडी को हम ऑर्डर में लेके आते हैं। इंडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इंडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज नहीं है, आपका शरीर ही आपके ऑर्डर में नहीं है। अतः योगानुशासनम, योग से शरीर इंद्रिय मन प्राण आत्मा चित्त चेतना आपका पूरा अनुशासन में आ जाता है। ये मैं बात समझाने के लिए इसको दीपक को बुलाया, ठीक है दीपक? अब पूरा ठीक करके, अभी तो इसका 20-25% ठीक हुआ है, लगातार 1 साल लग सकता है, 1 साल से पहले छोड़ना नहीं तो योग, नहीं तो योग बदनाम हो जाएगा योग तो और गुरु बदनाम हो जाएगा, ये रहेगा करना है ना, जरूर जरूर जरूर, पक्का पक्का, प्रतिज्ञा जा।